नमस्कार। द न्यू यू प्रोटेक्ट योर एनर्जी। आए दिन मेरी क्वींस दूसरे उनके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस तरह की धारणा बना रहे हैं, जो एफर्ट्स मेरी प्यारी सखियां अपने परिवार वालों के लिए, अपने सखी सहेलियों के लिए लगा रही है, क्या उन तमाम एफर्ट्स के लिए चुटकी भर भी अप्रिसिएशन उन्हें मिल रही है या नहीं। दूसरे कहीं उन्हें हर छोटी सी कही हुई बात के पीछे गलत तो नहीं समझ रहे। इस बात का डर, इन तमाम बातों का एक जो प्रभाव है, मेरी क्वींस की अमूल्य ऊर्जा को सोख लेता है, एनर्जी को चूस लेता है और कहीं ना कहीं हमारी जो एक वैल्यूएबल पावर हाउस है हमारे अंदर, वो खाली होता चला जाता है इन बचकानी बातों के पीछे। आखिर में है तो ये सब कुछ एक वर्ड गेम ही। तो इन शब्दों के खेल को और अच्छे से तुम्हें समझाने के लिए, तुम्हें सजग करने के लिए उन चार लोगों से जो केवल और केवल तुम्हें नीचे खींचना चाहते हैं और बहुत आसानी से तुम्हारे सरल सहज मन से खिलवाड़ कर जाते हैं, शायद ये कहानी तुम्हें मदद करेगी। एक बार एक बहुत ही भोला भाला सा पंडित था। वो अपने गांव के साथ साथ तमाम आसपास के गांवों में बहुत बहुचर्चित था। लोगों को जब भी कोई अच्छा पूजा पाठ कराना होता, वे उसी पंडित को बुलाते थे, क्योंकि वो अपने काम से काम रखता था, भगवान में लीन रहता था और बस जो भी काम करता था ईमानदारी से करता था। तो भाई ऐसे ही एक बार एक बहुत बड़े सेठ के यहाँ पूजा हुई और उस सेठ ने पंडित जी की जो वो एक सद्भावना से खुश होकर, उनकी ईमानदारी से खुश होकर उन्हें एक बहुत बड़ा सारा बकरा दिया कि लो पंडित जी, ये तुम बकरा लो इनाम के रूप में, और इसका दूध पीना, इसको हल्की फुल्की घास खिला देना, ये तुम्हारी सेवा में नियमित रूप से उपस्थित रहेगा ता उम्र। पंडित बहुत खुश हुआ, उसके दूध का इंतजाम हो चुका था। उसने बकरे को अपने कंधों पर लिया और अपने गांव की ओर निकल पड़ा। रास्ते में एक छोटा सा पैच आता था फॉरेस्ट का, वन का। तो जैसे ही वो वन में से पास ऑन कर रहे थे, वहां पर चार ठग थे। चारों ठग ने दूर से ही पंडित को देख लिया और उसके कंधे पर लदे हुए बकरे को भी, और बकरे को देखते ही चारों के मुंह में पानी आ गया कि भाई ये बकरा किसी तरह से आज तो हासिल करना है, ये भोला भाला सा है, इसको हम जल्दी से अपनी बातों की जाल में फंसा लेंगे। पहला जो ठग था वो गया पंडित जी के पास और उसने कहा, पंडित ये क्या हुआ, पंडितों को तो बड़ा समझदार कहते हैं और तेरे जैसा बेवकूफ पंडित, देख तो तूने अपने सिर पे क्या लाद रखा है, अपने कंधे पे क्या लाद रखा है, एक गधे को लाद के लेके जा रहा है, शर्म नहीं आ रही तुझे। पंडित एकदम से बौखला गया और गुस्से में कहा कि तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह से बात करने वाले, और तुम्हें दिख नहीं रहा है ये बकरा है। तो ठग ने कहा, अरे भाई पंडित जी राम राम, मुझे लगता है या तो आपकी आंखें खराब हैं या फिर आप जानबूझकर मुझसे ऐसी अटखेली कर रहे हैं और इस तरह का उपहास कर रहे हैं, और लेकिन ये बिल्कुल भी फनी नहीं है, आपने अपने कंधे पे सच में गधा उठा रखा है। पंडित जी बस कुछ बुड़बुड़ाते हुए चुपचाप वहां से जल्दी से निकल लिए और सोचने लगे कि बड़ा बेवकूफ सा आदमी था, आके मेरे बकरे को गधा बता रहा है, कमाल हो गई। फिर थोड़ी दूर जाते ही दूसरा ठग आ गया उनके सामने। दूसरा ठग कहता, अरे पंडित राम 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 राम, इतना घनघोर पाप, एक मरा हुआ बछड़ा तुम अपने कंधे पर लाद के जा रहे हो, कहां पंडित होते हुए और कहां तुम गाय का मरा हुआ बछड़ा लेके जा रहे हो, घनघोर पाप है भाई, कलयुग है कलयुग। इस तरीके से कहते हुए पंडित जी फिर से बहुत ज्यादा बेचैन हो गए और फटाफट से अपने रास्ते को नापने लगे और जल्दी जल्दी अपने कदम आगे बढ़ाने लगे। उन्हें बहुत चिंता होने लगी कि ये क्या हो रहा है। इतने में भाई तीसरा ठग आ गया। तीसरे ठग ने कहा कि भाई पंडित कमाल हो गई, पंडित के मैंने कंधों पर बहुत अलग अलग चीजें देखी हैं, फलों से लदी हुई टोकरी देखी है, ये तुम पहले पंडित हो जो मतलब कुत्ते को अपने कंधे पर लाद के लेके जा रहे हो, तो कमाल की बात है, कुत्ते को कहाँ लेके जा रहे हो। पंडित फिर से बहुत बौखला गए और इस बार तो वो बहुत ज्यादा डर गए। उन्हें लगा कि भाई जब एक इंसान ने कहा चलो मान लेते हैं गलती से देख लिया होगा, दूसरे इंसान ने एक दूसरा रूप देख लिया मेरे कंधे पे, और अभी तीसरा इंसान आ रहा है, इसने तीसरा रूप देख लिया मेरे कंधे पर, मैं कंधे पर बकरा लेके जा रहा हूँ या कोई भूत बैठा है मेरे कंधे पर। बहुत घबरा गए और फटाफट आगे बढ़ने लगे, और जैसे ही आगे चले
चौथा ठग आ गया सामने। और चौथे ठग ने पंडित को देखते ही एकदम से भुचक्का होकर कहा कि पंडित जी, ये सिर पे इतने सड़े हुए और गंदी बदबूदार सब्जियों का टोकरा उठाए तुम कहाँ जा रहे हो? उसको फेंक दो, अभी की अभी फेंक दो इस टोकरे को, इसका कोई फायदा नहीं है और ये तो तुम्हारी सारी पूजा पाठ को भ्रष्ट कर देगा, नष्ट कर देगा। पंडित जी ने आप देखा ना ताब, बकरे को उठाया और उस ठग के सामने ऐसे फेंका और भाई दबे पांव भाग लिए अपने गांव की ओर। चारों ठग बहुत खुश हुए, मिलकर उन्होंने उसी रात बकरा पकाया और खाया। ज्यादातर वो जो चार लोग हैं ना, जिनके लिए तुम बहुत ज्यादा चिंता में रहती हो, जिनके शब्दों के खेल से तुम आए दिन परेशान रहती हो, किसी ने ये कह दिया, किसी ने वो कह दिया, मैंने तो इतना सुंदर ड्रेस पहना था, किसी ने मुड़कर उसी ड्रेस के बारे में चार अपशब्द बोल दिए, मैंने तो इतनी सेवा भाव से उनके लिए खाना बनाया था और उन्होंने मुड़कर ऐसे बोल दिया, अगर मैं उनको ये कहूंगी तो वो वापस मुझे चार बातें सुनाएंगी, इसलिए मैं चुपी हो जाती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कहती, मैं ये काम ही नहीं करती, मैं आगे ही नहीं बढ़ती, मैं आगे अपने कदम उठाऊंगी ही नहीं, मैं अपने कदम पीछे खींच लूंगी। ज्यादातर हम शब्दों के खेल से डर कर, शब्दों के प्रहार से चिंतित होकर, डर कर अपनी सारी ऊर्जा को बिखेर देते हैं, अपनी सारी ऊर्जा को व्यर्थ कर देते हैं, वेस्ट कर देते हैं क्वींस। लेकिन ये चार लोग इन्हीं चार ठगों के समान होते हैं, इन्हें कुछ करना धरना नहीं है खुद, इन्हें किसी भी तरीके से मेहनत करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि जो इंसान मेहनत करके आगे बढ़ रहा होता है सच्चाई और ईमानदारी के साथ, इन्हें वो बढ़ता हुआ इंसान खलने लगता है, शायद उससे जल जाते हैं, शायद उस इंसान से चाहते हैं कि वो इंसान भी उन्हीं के समान एक बड़े ही मीडियोकर से बड़े ही समानतम स्तर पर रह जाए और आगे ना बढ़े, वो कोई एग्जाम्पल ना सेट कर पाए। इसीलिए अगर जीवन में तुम अपनी नवीनता को दर्शाना चाहती हो, उभारना चाहती हो, द न्यू यू बनना चाहती हो, तो सबसे पहले इन चार ठगों, इन चार लोगों की बातों से अपने आप को इम्यून करना सीखो, अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीखो, अपने चारों तरफ एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र बनाओ मेरी प्यारी। ये ऊर्जा क्षेत्र मात्र ध्यान क्रियाओं से, यानी कि मेडिटेशन से और कुछ नहीं, अपने आप को बार बार ये फील कराने से, महसूस कराने से कि मेरे चारों तरफ एक इस तरह की छलनी है जो छान कर केवल पॉजिटिव बातों का प्रभाव ही मुझ तक पहुंचने देगी, नकारात्मक नेगेटिव बातें जो मुझे नीचे खींचें या मेरे ऊर्जा क्षेत्र को खत्म करें, ऐसी बातें मेरी इस छलनी, मेरे इस फिल्टर के बाहर रह जाएंगी और मेरे अंदर मुझ तक केवल पॉजिटिविटी, केवल सकारात्मकता, केवल अच्छी सोच ही पहुंचेगी। इस तरीके से अपने आप को बार बार ये चीज याद दिलानी, सुबह उठकर उगते हुए सूर्य के सामने हाथ पसार कर खड़े होकर अपने आप को बार बार ये कहना, आई एम द मोस्ट पॉजिटिव पर्सन, मैं इस दुनिया की सबसे ज्यादा सकारात्मक औरत हूँ, मुझ तक केवल और केवल इस ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा पहुंच पाती है, मुझ तक केवल और केवल अच्छे लोग या लोगों का जो एक अच्छा साइड है वही मेरे सामने आता है और लोग अपने आप मेरे ऊर्जा क्षेत्र में आकर अपनी अच्छाइयों के संपर्क में आ जाते हैं, अपनी अच्छाइयों को दर्शाना शुरू करते हैं। इस तरीके से पलक झपकते ही आपका जीवन जो है वो यू टर्न ले लेगा, नेगेटिविटी से, नकारात्मकता से बिल्कुल मुंह मोड़ लेगा आपका जीवन और आप द न्यू यू बनने में कामयाब हो पाएंगी। आई होप इस वीडियो से आपको कुछ मदद मिले अपने नवीनतम जीवन को उभारने में, उजागर करने में। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो प्लीज मुझे सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर, साथ ही बेल आइकॉन का बटन दबाना ना भूलिएगा। फेसबुक पर हमारा बहुत बड़ा क्वींस परिवार आपको जादू की झप्पी देने के लिए बेकरार है, प्लीज कम एंड फॉलो अस ऑन फेसबुक। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी मैं कई बार आती हूँ, अपनी क्वींस से पर्सनल चैट करती हूँ, सो प्लीज आप वहां पर आकर भी मुझे फॉलो कीजिए। आई लव यू ऑल।